शो दैट द क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 का 21 21st शो दैट द हाइट ऑफ द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लोज यानी ओपन नहीं है जैसे ड्रम ओपन रहता है ऊपर से वैसा नहीं क्लोज है राइट सर्कुलर सिलेंडर तो उसकी हाइट और रेडियस क्या दिया है हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम यानी वॉल्यूम दिया हुआ है कितना है वो नहीं दिया बस वी ले लेंगे और द लिस्ट सरफेस एरिया लिस्ट है मिनिमम सरफेस एरिया इज इक्वल टू इट्स डायमीटर इसमें दो वर्ड आए वॉल्यूम और सरफेस एरिया बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या पाई आर स्क्वायर एच और सरफेस एरिया का सरफेस एरिया अरे ये तो 2 पाई आर एच किसका रहता है कर्ण सरफेस एरिया रहता है 2 पाई आर एच और नीचे इसका कितना है सरफेस एरिया सर्कल पाई आर स्क्वायर इसका तो कितने हो गए दो हो गए ना तो पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर एच कितना हो गया 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर एडिशन होता है 2 पाई आर स्क्वायर क्या कॉमन निकलता है 2 पाई आर क्या हो गया एच प्लस आर ये हम डायरेक्टली बता चुके हैं आपको लिख के कि ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच ठीक है ये तो बताओ सरफेस एरिया का वर्ड उसमें आ चुका है और वॉल्यूम वर्ड आ चुका है लेकिन अब बताओ शुरुआत करते समय हम पहले क्या देखते हैं सबसे और इस प्रॉब्लम को इसमें भी लाना है तो सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम वर्ड किसको लगा कौन सा वर्ड है मिनिमम लिस्ट यानी मिनिमम किसको इसका मतलब सरफेस एरिया मिनिमम तो बस उसी का क्या लिखो फॉर्मूला तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ठीक है क्या है कर्ण सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बेस पूरा लिख के दो कोई जरूरत है एक्चुअली ये लिखना है आपको ये समझाने की कितना जरूरत है आपको ये डायरेक्ट याद रखना है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच तो लेकिन हम एक्चुअली ऐसा नहीं लिखते यानी मल्टीप्लाई वाला पार्ट नहीं रखते हम एक्चुअली कैसे लिखते एडिशन और सब्सट्रैक्ट क्योंकि डेरिवेटिव के लिए अच्छा रहता है ठीक है पहले यही ले लेंगे तो क्या है 2 पाई आर ब्रैकेट में लेकिन ये रफ फर्क है क्योंकि हमें आर और एच में थोड़ी लिखना तो वॉल्यूम मिनिमम सॉरी मिनिमम क्या बोला था सरफेस एरिया उसका क्या लिखो फॉर्मूला लिखा सर क्लोज है इसलिए पूरा सब पोर्शन आएंगे अगर ये ओपन होता ना तो ये वाला पोर्शन नहीं आता तो फिर कौन से दो होते एक कर्ण सरफेस एरिया कितना 2 पाई आर एच और प्लस बेस वाला क्या होता पाई आर स्क्वायर इतना ही लिखते अगर ये ओपन सिलेंड्रिकल टैंक होता तो ये इसका कर्ण सरफेस जो आपको हाथ टच होगा ना यहाँ ये सरफेस हाथ को टच हो रहा है ना आपके कर्ण सरफेस से और ये बेस भी टच होगा हाथ से तो पाई आर स्क्वायर बस इतना ही होगा लेकिन ये क्या है क्लोज बोला है क्लोज सिलेंडर है इसका मतलब ऊपर का भी आएगा तो ऊपर का कितना और पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर फिर ये इस तरह से कॉमन निकाल के डायरेक्ट फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला चेड है ठीक है अब आप बताओ ये हो गया सरफेस एरिया लेकिन ये एक्स में चाहिए तो बताओ क्या करना पड़ेगा हाँ किसे उसको इमेजिन सोचना पड़ेगा ना लेट किसे बोले एक्स इसमें दो दो है चीजें तो एक को एक्स बोले एक को वाई बोले ना तो क्या बोले लेट एक्स सेंटीमीटर एंड वाई सेंटीमीटर बी द एक्स इसको एक्स बोल दो और इसको वाई बोल दो एक्स से मैं बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऐसी शुरुआत होगी दिमाग में आ गया कि सर ऐसे करना पड़ेगा पर एक्चुअली कुछ लाइन छोड़ के करना पड़ता है तो मैंने कुछ लाइन छोड़ी नहीं थी गलती होगी ठीक है ना तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्चुअली कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मैं करके दे रहा हूँ ठीक है तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर
टू बाई आर ब्रैकेट में ठीक है मैंने आपको आगे भी याद रहे आप बताओ लेकिन वो आर और एच में नहीं कैसे चेंज कर क्या एक्स एक्स वाई पाई एक्स स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर टू पाई एक्स वाई ये एक्स स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे एक्स और एक्स प्लस आ गया आर की जगह एक्स टू की एच की जगह वाई हाँ ये लेकिन ये कम्प्लीटली एक्स में चाहिए इसको नाम क्या देते हम लेट एफ ऑफ एक्स तो बताओ ये पूरा एफ ऑफ एक्स एक्स में है क्या तो अभी किसको वैल्यू निकालनी पड़ेगी वाई वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पिछली जगह छोड़ दिए अब तो सर वाई की वैल्यू कैसे निकाले कुछ तो भी दिया है बोलता हूँ ना मैं हमेशा अरे कुछ तो भी दिया है वो क्या कुछ तो भी है ढूंढो वहाँ पे गिवन वॉल्यूम वर्ड है कि नहीं देखो मैंने वॉल्यूम दिया है सर कितना है वो तो दिया है ठीक है तो वी बोलता ना लेट वी बी द गिवन वॉल्यूम ठीक है ना ऐसा लेट वी बी द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अब बताओ फॉर्मूला क्या वॉल्यूम का वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच आर मत लिखो पाई एक्स स्क्वायर वाई वैल्यू किसी निकालनी वाई की बताओ वाई की वैल्यू क्या वी अपॉन पाई एक्स स्क्वायर थोड़ा ऐसे लिखो वी अपॉन पाई एक्स एक प्रॉब्लम पता है जिसमें वॉल्यूम दिया था पाई ए क्यूब गिवन वॉल्यूम तो v की जगह क्या लिखा था उसमें पाई a क्यूब लिखा क्योंकि दिया था यहाँ पे सिर्फ गिवन वॉल्यूम बोला है तो कुछ नहीं फिर v लिख देना v भी था गिवन वॉल्यूम बस हो निकली y की वैल्यू और वो y की वैल्यू यहाँ पे यूज करेगी बताओ टू पाई हाँ क्या टू पाई x x प्लस y की वैल्यू क्या v बाय x कहाँ से लिखी है वैल्यू अब हो गया पूरा x में लेकिन ये मल्टीप्लाई में मत रखना कुछ भी हो जाए इसको पूरा ब्रैकेट सॉल्व करो बताओ क्या होगा बोलो टू पाई एक्स इंटू एक्स एक्स प्लस बोलो बोलो टू पाई एक्स वी टू पाई एक्स वी और नीचे कुछ कटा नहीं गया क्या कटता था पाई पाई कट गया एक्स एक्स कट गया कौन बचा टू वी नीचे एक्स हो गया और अब लिखना इसे लेट और ये यहाँ से अपना प्रॉब्लम शुरू होता है वर्ड प्रॉब्लम यही तो मेन है तो आप जितने भी वर्ड प्रॉब्लम लेना उनकी ये स्टेप बार बार रिवाइज करके जाना एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया ना एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका सॉल्व करने में ये तो पता ही ऐसा पढ़ाई का कॉन्फिडेंस अलग ही रहेगा तो ये है ना अब क्या करो इसका पहला डेरिवेटिव फिर दूसरा डेरिवेटिव ये कॉन्स्टेंट है टू पाई एक्स स्क्वायर का टू एक्स ये टू भी कॉन्स्टेंट है तो 1 बाय x x फंक्शन है इसमें विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 बाय x होगा ना ये क्या होगा 1 बाय x का करो फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव करो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लेते हैं 0 ऐसा करो बस 5 मिनट रुकता हूं मैं हमें ये नहीं समझता कभी भी कि स्टार्टिंग कैसे करनी है नहीं समझे कैसे करना हमेशा पहले मिनिमम या मैक्सिमम जो भी है एक बात और मैं हमेशा वर्ड लिख के देता था मिनिमम मैक्सिमम अब वो लिखाई मत करो सीधा सीधा वो वी हैव टू शो दैट मत लिखा करो ठीक है वो ऐसे ही लिखा करो जैसा मैं बोल रहा हूँ अब ये फाइनल रखना हमेशा कैसा मिनिमम मैक्सिमम आपको समझाने के लिए था समझ गए अब वो लिखना मत बस क्या मिनिमम था सरफेस एरिया सरफेस एरिया निकालो कर्व सरफेस टू पाई आर एच ओपन है नहीं है क्लोज है ना तो ये पाई आर स्क्वायर और नीचे का भी पाई आर स्क्वायर फिर टू पाई आर स्क्वायर आर बोलना लिखना है एक्स बराबर ठीक है फिर कॉमन निकालो हो गया और सर अभी क्या करें वो तो वाई आ गया दो चीजें थी रेडियस और राइट एक को एक्स और एक को वाई अब स्टार्टिंग समझ में आ गई एक को एक्स और एक को वाई थे रेडियस और राइट को फिर लेकिन सर यहाँ पे अटक गई ना वाई की वैल्यू और जगह छोड़ी थी कैसे गिवन वॉल्यूम बोला था तो वॉल्यूम का क्या लिखो फॉर्मूला उसमें आपको वाई मिल जाएगा वो वाई वहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दो और जब आप इसको रिवाइज करोगे ना दो दो तीन तीन एक एक पहला डेरिवेटिव होने के बाद क्या करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ये 2 पाई कांस्टेंट है x स्क्वायर का क्या होगा 2x 2 भी कांस्टेंट है तो कौन बचा 1 बाय तो क्या होता है -1 बाय x स्क्वायर dx ऑफ x
4 by x और ये -2v/x, ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव करो तो f डैश x का डेरिवेटिव होता है f डबल डैश। कांस्टेंट बाहर x का कितना होता है 1, -2v बाहर तो 1/x² है, 1/x² है उसको 1/x से बोल दो, क्या होता है -1/x x, ये x है x है डिनोमिनेटर स्क्वायर ddx ऑफ x, x कौन था डिनोमिनेटर, ये 4π × 1 4π, ये प्लस 2v, x का पावर कितना 4 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है कितना आया 4π प्लस 4v/x³, ये 4v ना और x x कट गया x³ नंबर 4, ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, कंसीडर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, कहां गया रे फर्स्ट डेरिवेटिव, ये 4π x -2v/x² इक्वल टू क्या 0। अब इसको सॉल्व करना है तो कभी भी नीचे डिनोमिनेटर कभी भी नहीं रखना, x स्क्वायर को क्या करना मल्टीप्लाइंग बाय x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइंग बाय x स्क्वायर, अब बताओ इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा x³ बनेगा, उसको x स्क्वायर से करो तो कट जाएगा तो क्या बचेगा -2v = 0। अब ये 4π x³ इक्वल टू 2v, उधर होगा माइनस का प्लस, x³ कितना होगा 2v/4π, फिर बताओ 2 कट गया, x³ कितना होगा v/2π, लेकिन x कितना होगा √v/2, गलती तो नहीं हुई, चलो ये टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट किया था x हो गया और इसका भी क्यूब रूट किया, अब बताओ ये x की वैल्यू किस में पुट कर दे, सेकंड में पुट x = 2, ठीक है हां किस में इन इक्वेशन 4, हां बोलो ये है x की वैल्यू कितनी √v/4 4π प्लस 4v अपॉन x कितना है और उस, अरे काम करो ना डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करो x³ की करो ना, किसकी वैल्यू डायरेक्ट x³ और x³ की वैल्यू v/2π, बताओ क्या होगा, ये 2π का आ जाएगा ऊपर, ये 4π प्लस 2π ऊपर गया तो कितना होगा 8π और v भी कैंसिल, कितना हो गया ये 12π और 12π किससे ग्रेटर देन 0, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या लिखते हैं देयरफॉर फंक्शन दैट इज पॉजिटिव है ना, फंक्शन दैट इज कौन किसे बोला था इसी ना फंक्शन, ये कौन है सरफेस एरिया, फंक्शन दैट इज सरफेस एरिया ऑफ क्या सिलेंडर इज मिनिमम एट x = 0, बराबर vx की वैल्यू होगी तो बताओ y वैल्यू, बताओ अपने पास y = क्या है y = v/πx², बराबर ठीक है ना, अब इसमें वैल्यू किसकी पुट करनी पड़ेगी x की, क्योंकि x की वैल्यू बहुत खतरनाक है ना, क्यूब रूट वाली पुट करोगे फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, ये x की वैल्यू क्यूब रूट में है उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, ये मैच नहीं हो रही है, एक काम करो क्या करेंगे v/π ऐसा है ना, हम x² की वैल्यू पुट करते हैं, किसकी वैल्यू पुट करेंगे x² सर x² की वैल्यू कैसे निकालेंगे तो यहां से निकालो कैसे x³ की वैल्यू v/2π, x³ को क्या लिखते हैं हम x² × x v/2π, x³ को क्या लिखेंगे ये v/2π जैसा है, बस मैंने x³ को कैसे लिखा x² × x, वैल्यू किसके निकालना है x² क्या होगा ये x नीचे जाएंगे 2π x, तो x² की वैल्यू में v/2π x, तो देखो यहां पे कुछ तो भी हमें नंबर दे देना पड़ेगा तो कौन सा 5, तो बताओ x² की वैल्यू v
बाय पाए, बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या, थ्री बाय टू पाए एक्स। अब देखो ध्यान से, नीचे का डिनोमिनेटर कहा जाता है ऊपर, तो बोलो कौन है, वी और पाए और ये वी सब जैसे वैसे, वी पाए वी सब ऐसे लिख। अब नीचे का जो टू पाए एक्स है वो कहा गया, अब बताओ पाए पाए कैंसल, वी वी कैंसल, कौन बचा बताओ, अरे कौन बचा, पाए कट गया वी कट गया तो टू एक्स बचा ना, वाई कट तो क्या हो गया टू एक्स, यानी क्या हो गया वाई कौन है हाइट, और ये आर क्या है रेडियस, तो क्या होगी हाइट इज इक्वल टू वाई इज द रेडियस, ऐसे ही बोलेंगे आप, वाई इज द रेडियस यानी क्या होगा, वाई इज द रेडियस का मतलब क्या हो गया डायमीटर है ना, तो बोलो इसको क्या लिखेंगे हम, इसके बाद जगह देखो कहाँ पे यहाँ पर, हाँ देखो हम इसको भी वर्डिंग के साथ लिखेंगे, y का मतलब क्या होगा, हाँ हाइट, टू इंटू एक्स यानी रेडियस, ये कौन है हाइट, बताओ टू इंटू रेडियस को क्या बोलते हैं डायमीटर, तो बताओ हाइट इक्वल टू डायमीटर आया, और वही क्वेश्चन है हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, तो लिस्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसा चाहिए लिस्ट है ना, आया ना, तो लिस्ट सरफेस एरिया में हाइट इक्वल टू क्या रहती है, ये अपना प्रूफ हो गया, और वही सेंटेंस बाद में फिर से लिख देना, हेंस समय नहीं है तो हेंस प्रूफ लिख देना, समय है तो पूरा वो सेटिस्फाई, शो दैट मत लिखना, हाँ क्या लिखना, देयरफॉर द हेंस द हाइट ऑफ ये सिलेंडर, वो सिलेंडर बाहर से लेकर कहाँ तक डायमीटर पूरा सेंटीमीटर, ठीक है, तो इस तरह से किया हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फिर सेकंड डेरिवेटिव, फिर कंसीडर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, नीचे एक्स स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर, सबको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, और एक्स क्यूब की वैल्यू मिली, फिर एक्स की क्या होती है टेकिंग क्यूब रूट, फिर ये एक्स की वैल्यू किसमें पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में, देखो फोर पाई प्लस फोर बी, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट एक्स क्यूब की वैल्यू पुट की, क्या एक्स क्यूब की वैल्यू वी बाय टू पाई, यानी एक्स की नहीं पुट की, किसकी एक्स क्यूब की, एक्स क्यूब है ना तो डायरेक्टली पुट करो वी बाय टू पाई, ये टू पाई कहाँ जाता है ऊपर, और वी वी कट गया तो कितना हो गया एट पाई, और ये फोर पाई ट्वेल्व पाई, और ये ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर देखना पड़ता है पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो क्या हो गया एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, एफ ऑफ एक्स यानी को वही सरफेस में एक्स इक्वल टू एक्स इतना तो वाई कितना, ये वाई का फॉर्मूला, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर पुट करना खतरनाक है, इसलिए हमने एक्स की नहीं पुट की, इसकी पुट की एक्स स्क्वायर की पुट, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल के बताएंगे, एक्स क्यूब को ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर बी एक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वी बाय टू पाई, वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वी बाय टू पाई, ये का सब कट गया तो टू एक्स बचा, वाई इक्वल टू टू एक्स, यानी हाइट इक्वल टू टू इंटू रेडियस यानी डायमीटर, इस तरह का है, तो ऐसा करो।